हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं नींबू की चटनी। इसके लिए हमने 250 ग्राम नींबू लिए हैं, जो कि धोकर सुखाकर कपड़े से पोंछ लिए हैं। सबसे पहले हम लोग इन नींबू को कट करेंगे और नींबू से जो सीड होते हैं उनको बाहर निकाल देंगे। तो चलिए इनको पहले हम लोग कट कर लेते हैं। छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे ताकि इनके सीड हम लोग आसानी से निकाल सकें। तो इस तरह से चार चार पीस करके हम लोग इनके सीड निकाल देंगे और ये जो लाइन रहती है वाइट वाली, इसको भी हटा देंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को सीड आसानी से दिख सकें। तो चलिए सभी के हम लोग सीड निकाल देते हैं। लीजिए, सारे नींबू के हमने चार चार पीस कर दिए हैं और सारे सीड नींबू से निकाल कर अलग कर दिए हैं। इस समय विशेष ध्यान यही रखना है हमें कि इनके सीड सारे बाहर निकल जाएं, नहीं तो जो चटनी बनेगी नींबू की वो टेस्ट में कड़वी हो जाएगी। इसलिए अब हम लोग ये सारे पीस मिक्सी के जार में डालकर इनको हम लोग दरदरा सा पीस लेते हैं। तो चलिए हम एक लेते हैं जार और उसमें डालकर इसको पीस लेते हैं दरदरा। वो टुकड़े हम लोग मिक्सी के जार में डालकर उनको दरदरा पीस लिया है। अब इसके साथ हम लोगों ने जो मसाले लिए हैं वो देख लेते हैं। हमने 1 से 1.5 चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है सब्जी वाली, 1/2 चम्मच छोटी चम्मच से काली मिर्च पाउडर लिया है, लगभग 10 से 12 काली मिर्च पीस के ली हैं, 1 चम्मच काला नमक लिया है, 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है, 5 से 6 लाल मिर्च ली हैं और इसके साथ ही हम लोग छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच कलौंजी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम काला नमक, काली मिर्च और कलौंजी को छोड़कर ये चारों चीज़ें 2-3 मिनट भून लेते हैं। लीजिए, इनको 2-3 मिनट भूनने के लिए हमने गैस को मीडियम फ्लेम पर करकर एक पैन चढ़ा लिया है। जो आज हम टमाटर की चटनी रेडी कर रहे हैं वो हम लोग बिना गैस पर चलाए, बिना गैस जलाए चटनी रेडी करेंगे। सिर्फ ये मसाले ही हम लोग भून रहे हैं और बिना ऑयल का यूज़ करे हुए हम लोगों की चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है और आप इसको एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और टेस्ट दिन पर दिन इसका बहुत अच्छा होता जाता है। ये मसाले हम लोगों के 2-3 मिनट हो गए हैं और ये हम लोगों के जितना हम लोगों को इनको भूनना था ये भून गए हैं। अब इनको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। हम लोगों ने नींबू 250 ग्राम लिए हैं, तो टमाटर की चटनी को मीठा करने के लिए आप गुड़ या चीनी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस जस्ट हाफ लेना है हम लोगों को। तो हम लोग लेंगे 125 ग्राम चीनी, क्योंकि हमने 250 ग्राम नींबू लिए हैं। चलिए इस मसाले को निकालते हैं बाहर, गैस को करते हैं बंद। लीजिए, पैन से निकालकर मसाले जार में डालकर हमने पल्स मोड पर 1 मिनट के लिए मिक्सी चलाकर मसालों को दरदरा पीस लिया है। इसके साथ ही हमने नींबू के टुकड़े भी जार में डालकर, देखिए इनको भी हमने दानेदार पीस लिया है। अब हम लोग लेंगे एक मिक्सिंग बोल। हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें हम लोग ये नींबू के जो हम लोगों ने मिक्सी के जार में पीस कर रेडी किया है वो हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोगों ने 125 ग्राम चीनी ली है वो हम लोग इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर चीनी का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर मिश्री का या फिर चीनी के पाउडर का जो अब हम लोग चीनी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लीजिए चीनी हम लोगों की मिक्स हो गई है। अब हम लोग इसमें डालेंगे काला नमक, काली मिर्च और जो मसाला हम लोगों ने पीस कर रखा है। नमक स्वाद अनुसार डालना है और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, कम तीखा ज़्यादा तीखा जैसा आप पसंद करते हो आप उसी हिसाब से इसको डालिए। अब हम लोग इसमें डालेंगे एक छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च, इससे हमारी नींबू की चटनी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, बस कलर के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल भी हम लोग ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये चटनी बहुत टेस्टी बनेगी। लीजिए हम लोगों ने ये मिक्स कर दिए। अब हम लोग इसमें डालेंगे जो हम लोगों ने जार में मसाले पीस कर रखे हैं। पूरा मसाला नहीं डालना है, सिर्फ उस मसाले में से हम लोग 2 से 2.5 चम्मच मसाला ही यूज़ करेंगे। एक चम्मच, 2 और ये आधी, इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग आधी छोटी चम्मच इसमें डाल देंगे कलौंजी। कलौंजी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अजवाइन भी डाल सकते हैं यदि आप पसंद करते हैं। कलौंजी प्याज का बीज होता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, बहुत हेल्दी होता है। अब हम लोगों की चटनी जो भी हम लोगों को इसमें डालना था, मिक्स करना था, वो सब कुछ हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग इसको रखेंगे एक जो मलमल के कपड़े आते हैं पतले सूती, उससे हम लोग कपड़े से इसका मुंह बांध कर 3 से 4 दिन के लिए हम लोग डेली 5 से 6 घंटे के लिए हम लोग धूप में रखेंगे। और इस तरह हम लोग 4 से 5 दिन लगातार इसको कवर करके धूप में रखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको एक कपड़े से बांध कर रखते हैं। इसको रखने से पहले हम लोग एक इंग्रेडिएंट्स और इसमें डालना भूल गए, जो कि हम आपको बताते हैं। इसमें हम लोग 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, उससे इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको भी हम लोग मिक्स कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इस अचार को बनाते या तो हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन का यूज़ करेंगे या फिर हम लोग इसको बनाते समय कांच के बर्तन का यूज़ करेंगे, स्टील के एल्युमिनियम के बर्तन का हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। अब हम लोगों ने ली है एक पतली चुन्नी, इससे हम लोग इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और इसको ढककर हम लोग 3 से 4 दिन डेली मॉर्निंग से जब तक धूप रहेगी तब तक हम लोग इसको धूप में रखेंगे। तो चलिए ऐसा हम लोग 3-4 दिन कंटिन्यू करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, इसको धूप में रखते हुए हम लोगों को पूरे 4 दिन हो गए हैं और बीच बीच में हम इसको चलाते रहे हैं। अब हम लोग इसको रखेंगे एक एयर टाइट बॉटल में बंद करके 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते रखने के बाद फिर हम इसका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तब ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी बनकर। तो चलिए इसको हम लोग एक बॉटल में भर देते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है पूरी, पराठा
रोटी किसी के साथ भी खाइए और इसको एक बार बनाकर हम लोग साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको इसी तरह से हम लोग भर के और फिर इसको रख देंगे। इसको पूरा भर देते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने इसको एक बॉटल में रख दिया है। यदि आपको नींबू की चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें इसके लिए आप बेल आइकन को करिए प्रेस। थैंक यू।